हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए गुड न्यूज है, जो चाहे वो SOL के हो, रेगुलर के हो, चाहे NCVAP के हो। तो फाइनली एक नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से आउट कर दिया गया है। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है कल आया था, पर वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। कोई नहीं, वीडियो आपको कभी भी एक दिन बाद मिले, पर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन से मतलब होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि आने वाले टाइम पे कॉलेज अपडेट्स आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है और काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीन एग्ज़ाम 2021 720 नोटिफिकेशन नंबर, फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स एडमिट टेड इन द 2020 सेमेस्टर सेकेंड असाइनमेंट बेस एग्जामिनेशन फॉर ऑल UG PG कोर्सेज इवन सेमेस्टर अकेडमिक सेशन मई जून 2021। यानी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म बनना है असाइनमेंट का, और अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया है तो UG या PG में। ऑल द रेगुलर स्टूडेंट, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए है पहली लाइन। ऑल द रेगुलर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द 2020, अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया UG एंड PG में कोर्सेज ऑफ सेमेस्टर सेकंड, आर हेयर बाय द इन्फॉर्म द लिंक ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म हैज बीन एक्टिवेटेड। यानी जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है फॉर इवन सेमेस्टर अकेडमिक 2021। द पोर्टल फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट विल बी एक्टिवेट टिल 31 जुलाई 5 PM। यानी 31 जुलाई तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, सेकेंड सेमेस्टर का फीस जो भी आपकी सबमिट कर सकते हो। द लिंक ऑफ स्टूडेंट पोर्टल इज गिवन बिलो। ये लिंक है आपकी, आप लिंक देख लीजिए। ये बेसिकली रेगुलर और NCVAP वालों के लिए लिंक है, DURSLT.DU.AC.IN DU एग्जाम फॉर्म #, ये पूरा आपका लिंक है। इसमें आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, 31 जुलाई 5 PM तक आपको अपना सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। ये बात रही आपकी रेगुलर और NCVAP वालों की। अब सोल वालों की बात करेंगे, उसमें जाके आपको क्या क्या भरना है। एग्जामिनेशन रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर ईमेल आईडी आर द लॉगिन डिटेल्स एंड स्टूडेंट एक्सेस द पोर्टल। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द लॉगिन द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड द कॉन्टैक्ट देयर कंसल्ट द फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेजेस ऑफ अपडेटिंग देयर रिकॉर्डेड ऑफ रिक्वायर्डेड। यानी अगर आप उस फॉर्म को भरते हुए अगर कोई कुछ भी लॉगिन करने में जैसे कोई भी दिक्कत आती है, तो आप अपने फैकल्टी या डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट उनको मेल करें और उनसे कहें कि हमें लॉगिन करने में परेशानी आ रही है, तो कृपया करके हमारा फ़ोन नंबर और जो हमारा जो आपने हमने जो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करा रखा है उसको ठीक कर दे या चेंज कर दे। तो ये रेगुलर और NCVAP वालों के लिए होने वाली है। चौथी लाइन भी आप बता देता हूँ, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस थ्रू द लिंक प्रोवाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज। यानी इसी लिंक के द्वारा आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, रेगुलर NCVAP वालों के लिए, ठीक है। सोल वालों के लिए नीचे है, वो नोटिफिकेशन में नीचे मैं बताऊंगा। तो आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, जो भी फीस डिपार्टमेंट कॉलेज या फैकल्टी ने सोच रखी होगी वो आपको भरनी है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, ये नहीं कि कोरोना के चलते हुए आपको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव लिया जाए, ठीक है। फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज द मैंडेटरी ऑफ द ईच स्टूडेंट। यानी एग्जामिनेशन फॉर्म हर एक स्टूडेंट को भरना जरूरी है। स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जामिनेशन फॉर्म और देयर एग्जामिनेशन फॉर्म इज नॉट कन्फर्म बाय देयर, यानी कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन भरने में फेल हो जाता है और एग्जामिनेशन फॉर्म कन्फर्म नहीं हो पाता, रिस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज विल नॉट बी परमिटेड अपेयर इन द एग्जामिनेशन। यानी ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो असाइनमेंट के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं अगस्त में सेकंड सेमेस्टर के, चाहे SOL हो, चाहे NCVAP हो, रेगुलर के हो, उसके लिए अपीयर नहीं माना जाएगा, यानी उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, जो मैंने लिंक ऊपर बताया उस लिंक के द्वारा आप फॉर्म भरिए, रेगुलर NCVAP वाले जितने भी है। बाकी अब बात रही उस फॉर्म का, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और दूसरा टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। NCVAP की गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान दे, और क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट के लिए, क्योंकि वो SOL की तरह ही कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। अब देखिए, अब SOL के लिए भी बात है, लिंक फॉर सोल स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली फॉर बाय द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यानी
जो सोल का जो लिंक है वो प्रोवाइड एस वेल अपने आप ही कराएगा अपनी वेबसाइट पे, उसके लिए जल्दी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो सोल के लिए अभी कोई लिंक नहीं आया है असाइनमेंट भरने का। तो बेसिकली वैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा लिए गए थे क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का, और अगर जो नहीं भर पाया तो उसके लिए लिंक जल्दी निकाल देंगे सोल वाले। जैसे लिंक आएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब धीरे धीरे और भी पार्ट समझते, इसमें और क्या क्या लिखा है। फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज शुड द कन्फर्म द एग्जामिनेशन फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज आर कन्फर्मेशन ईमेल बी सेंड टू द स्टूडेंट हु इज द कन्फर्म बाय द फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड द कॉलेज डिपार्टमेंट सेम सम डेट वाइज द प्रोवाइडर प्रीवियसली फॉर द एग्जाम सेशन नंबर दिसंबर 2020। यानी कि आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करना है जो आपको पिछले साल प्रोवाइड कराया गया था, और उसी को आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कंफर्म कराना है जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म अपना फिलअप करें, ठीक है। तो ये तो रेगुलर और एनसी वेब वालों के लिए, तो आप देख लेना, बाकी कुछ और बातें भी है। द लिंक फॉर द फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज टू कन्फर्म द एग्जामिनेशन फॉर्म इज फॉलोविंग, ये देख लीजिए, यही है लिंक है, इसी में आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेगुलर और एनसी वेब वाले जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम या असाइनमेंट देने वाले हैं। और एक बात और, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर असाइनमेंट तो होंगे, असाइनमेंट हमें देने कैसे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा, असाइनमेंट की आंसर की चिंता आप ना करें, सबके आंसर असाइनमेंट के प्रोवाइड कराए जाएंगे कॉलेज अपडेट्स की तरफ से। बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना है। जुड़ने के लिए कोई आपसे चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा जो आपको कोई दिक्कत करे, ठीक है। तो आपको इस दिमाग से निकाल देना है कि कोई फीस वगैरह लगेगी असाइनमेंट के आंसर के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको जुड़ना है, और एस ओ एल या दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट आती है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप खुद देख लीजिए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए कितनी हेल्प हो गई, बीए प्रोग्राम हो गए, बीकॉम हो गए या अदर कोर्सेज हो गए, तो कहीं ना कहीं हमने उसके किया हो। बाकी एक बात और बता रहा हूँ, 31 जुलाई 5 बजे तक एन सी वेब और रेगुलर के ऐसे जो भी स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर का अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है अभी तक, आप सबमिट कर दे। लिंक ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसे अपने भेजे में चिपका ले, और इसका यूज करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दे, या जो ऊपर वाला लिंक है उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट की लाइन है, फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज विल आल्सो फीड द इंटरनल असाइनमेंट मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट थ्रू द सेम सॉफ्टवेयर लिंक, यानी असाइनमेंट और इंटरनल मार्क्स आपको सेम प्रोवाइड कराए जाएंगे उसी सेम लिंक पर, यानी आपके असाइनमेंट के जो नंबर उसी में चढ़ाए जाएंगे, तो बात अलग रही। द पोर्टल फॉर कन्फर्मिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म आफ्टर ड्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज बाय द फैकल्टी कॉलेज डिवन विल बी एक्टिव 1 अगस्त, यानी कॉलेज और फैकल्टी को सारे स्टूडेंट की जो डिटेल है वो 1 अगस्त शाम 5 बजे तक कन्फर्म करनी है, और जितने भी एडमिशन हुए उनकी के हिसाब से उनके असाइनमेंट के एडमिट कार्ड निकाले जाएंगे। अब जैसे आपके एडमिट कार्ड और डेट शीट आएगी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कीजिए, और आपकी जो एडमिट कार्ड है और डेट शीट है वो आपके अगस्त के पहले हफ्ते में आ जाएगी। बाकी सोल के लिए जल्दी लिंक आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर और एनसीएफ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दे। बाकी फर्दर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आज की वीडियो पसंद नहीं रखूँगा, आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।